डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल अंदर डायगोनल होता है, हम उन्हीं डायगोनल को यहां पर यूज करके इस सिचुएशन को याद कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डायगोनल ये बना देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस डायगोनल को छोड़ दें। फॉर एग्जांपल 3 बाय 3 हमारे पास एक मैट्रिक्स, ये डायगोनल छोड़ दें। इस डायगोनल के अलावा आप बाकी सब एंट्रीज जीरो कर, और ये जो डायगोनल है इसके अंदर अब सिचुएशन ये आती है कि हो सकता है इसके अंदर काफी सारी एंट्रीज जीरो हो, बट मिनिमम यहां पर एक एंट्री को नॉन जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल के लिए कंडीशन क्या है कि आपके डायगोनल के अंदर मिनिमम वन एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। वन से ज्यादा भी नॉन जीरो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बाय 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ये डायगोनल आ जाएगा, तो इस डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो होंगे, और यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल स्केलर मैट्रिक्स को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, वो डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हम देखें तो इसके अंदर ये डायगोनल होता है, डायगोनल के अलावा ये हमारा 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो डायगोनल के अलावा जो हमारे पास एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी। अगर हम 3 बाय 3 को डील करें तो यहां पर भी हमारे पास इस डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज क्या होंगी, नॉन जीरो। तो स्केलर के लिए कंडीशन ये होती है कि आपका ये डायगोनल आ रहा है, इस डायगोनल के अंदर सेम नंबर का होना जरूरी है। तो ये हमारे स्केलर कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल 3 3 0 0 ये हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो 1 वाली कंडीशन होती है उसके लिए एक सेपरेट एक स्पेसिफिक नेम होता है, वो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे डायगोनल के तमाम एंट्रीज सेम होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया ए ए और बाकी एंट्रीज। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैंने बताया जैसे 1 वाली कंडीशन हमारे पास आ रही है, तो उस 1 वाली कंडीशन के लिए एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास लास्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी हो या यूनिट हो, वो हमेशा वन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स टाइप का ही होता है जिसमें हमारे डायगोनल छोटे डी का साइन इसके ऊपर एज अ पावर यहां पर आपको शो करना होगा।
इसके शो करने का मतलब ये होगा कि आप इस पर ट्रांसपोज ले चुके होंगे। आपने ये नहीं करना कि आप टी लिख दें और साथ में आप उसी मैट्रिक्स को उठा के एज इट इज कर दें, ये आपने काम नहीं करना। इस साइन को यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि आप ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर चुके हैं। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई नो यहाँ पर रोज है और कॉलम्स भी, आपने अपनी आसानी के लिए रोज या कॉलम्स में से किसी एक चीज को सिलेक्ट कर लेना है। दोनों सिलेक्ट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर रो को सिलेक्ट करता हूं, तो मेरे पास ये रो है 1 2 3 और दूसरी रो है 4 5 6। तो जब हमने ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, इस रो को उठाकर मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। 1 2 3 ऐसे रो की कंडीशन में लिखा हुआ है, मैं इसे चेंज कर दूंगा कॉलम की सिचुएशन में। इसी तरह सेकंड रो को उठाकर मैं कॉलम की सिचुएशन में चेंज कर देता। तो अगर हम देखें ये कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो चुका है, ये कॉलम भी ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो चुका है, ये कॉलम भी ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो चुका है। तो बेसिकली हमने करता क्या होता है, रो या कॉलम में से एक को उठा के हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है और उसके बाद दूसरा रो का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस समय हम होते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये सारी सिचुएशन हमने डील कर ली, हमने टाइप्स पढ़ ली, इसके अलावा हमने क्या ऑपरेशन ऑपरेशन पढ़ लिए। तो इसके बाद हमने मूव करना है 1/2 का। 1/2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है, आपको ए मैट्रिक्स दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया, ई दिया गया, एफ दिया गया। आपने बताना है कि ए मैट्रिक्स की टाइप क्या है, बी मैट्रिक्स की टाइप क्या है, सी मैट्रिक्स की टाइप क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर, आपने जस्ट आइडेंटिफाई करते होंगे, आपको ए दिया गया है 0 0 0 0, आपने इसकी टाइप बता दी। अब मुझे पता है जिसमें तमाम एंट्री 0 होती है उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम यहां पर बता देंगे कि नल मैट्रिक्स, इसी तरह बाकी क्वेश्चन जिसके पार्ट्स कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने यही काम करना है, आइडेंटिफाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने यही काम करना है, आपने आइडेंटिफाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स का तरीका मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं आपको एक पार्ट करा देता हूं, दूसरा पार्ट आप लोग खुद कर रहे हैं और आपके एक्सरसाइज का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, ए की सिचुएशन आपको दी गई है 1 2 0 1। सिचुएशन आपने क्या फाइंड करनी है, आपने प्रूव करना है ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहां से हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड यहां से पिक करेंगे व्हिच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ऑपरेशन देखें, पहले ए ट्रांसपोज है वो हमने लेना है, उसके बाद दूसरा ट्रांसपोज। सिचुएशन देखें, मैंने ए पिक कर लिया 1 2 0 1, पहले मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता हूं। ट्रांसपोज अप्लाई करने में इस रो को उठा के मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं, इस रो को उठा के मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं। ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैं अगेन ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज का मतलब इस रो को उठा के मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, इस रो को उठा करके कॉलम में चेंज कर दूंगा। अगर मैं देखूं तो ये दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स हासिल हो गया है जो हमारे पास क्वेश्चन में था। तो ये ए के इक्वल है, तो मैं कह दूंगा ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस ट्रू। इसका जो सेकंड वीवर पार्ट है वो आप लोगों ने खुद कर लें और आज हमारा ये लेक्चर एंड हो गया है।